मनोरंजन कराने के ढोलक बजा रहे हैं। हाथ में आ चुकी है। चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आधर में चार बार घुमा दिया 40 किलोमीटर का। गुड मॉर्निंग, तो अभी देखिए स्नान कर लिए हैं, अभी हम देवघर में हैं। अभी सुबह 5 बजा है, ठीक है। अभी जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, बाबा पर जल चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए लाइन यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग पड़ रहा है, तो सभी लोग लाइन में लगे हैं और जा रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। अब लोग का चैनल का नाम है फट के हाथ में आ चुकी है। चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अधर मोड़ लिए बहुत बढ़िया। बनाते हाथ में आ गया, चार बार घुमा दिया 40 किलोमीटर का। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो सरकार है, उससे भी बहुत वो कैसे नीतीश कुमार आपको क्या लगता है कि सुधारना के दारू पी कहना चाहिए था? ऐसा बात नहीं, दारू नहीं पीते तो चल जाता, लेकिन माता जो रास्ता में बढ़ाता तो चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और झारखंड जा रहे हैं एकदम दौड़े हुए। राम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे तुरंत एकदम। बोल बम बोलिए, बढ़िया लोगों का देखिए कितना भीड़ है इधर भी। लाइन में हल्ला हुआ है, तो लाइन में लगे पैर जो है ना अब गया है, तो हम लोग बैठ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बम लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र। कहाँ से आप? आप जल कब पढ़ाए थे? मतलब इनका 2 दिन लग गया है, जल तो आए थे चित्तौड़गढ़ से। धन्यवाद। 36 घंटा लग गया है, 36 घंटा इनका लग गया, अभी लाइन में है। देख सकते हैं बहुत आप थकान उकान हुआ है रास्ते में, बहुत दर्द हुआ है तो चलते चलते इतना दुख रहा है कि क्या करें। फिर भी भोले बाबा के नाम से इतना दुख चले आए बाबा के दरबार में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, इमरजेंसी सेवा। इमरजेंसी सेवा का मतलब हो कि यदि आपको यदि आपको सीरियस हो जाते हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए, तो आपको यहाँ पे आपको इमरजेंसी सेवा का उपलब्ध करवाएगा डॉक्टरों के द्वारा। तो इसी अभी हम लोग इस गेट के द्वारा भी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। अभी हम देखिए मंदिर के पास पहुंच गए हैं, 5 मिनट के अंदर में बाबा के घर में हम पहुंचने वाले हैं। सभी लोग देखिए कवर आगे।
तो देखिए बाबा की नगरी पहुंच गए हैं। देखिए मंदिर आपको दिख रहा है, देखिए जोड़ारा हुआ शंकर जी और पार्वती जी का एक साथ जुड़ा हुआ। देखिए शंकर और पार्वती जी का गेटी देखिए जुड़ा हुआ, यही है आपका आगे से बढ़िया दिखो, बहुत बढ़िया सीनरी वाला। और अभी आपको और दिखाते हैं पूरा साफ से, देखिए गेटी जुड़ा हुआ मंदिर, ये बाबा का भोले का मंदिर। ये देखिए गठबंधन किया हुआ शंकर जी और पार्वती जी का, एक बहुत सुंदर दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है मात्र इस चैनल पे। आपको देखिए पूरा का पूरा दृश्य चढ़ा दिए हैं, ठीक है। बहुत ही आनंद आया, दम ढारे जदाम शंकर भगवान के गोद में जा करके पानी गिर गया। अभी है जो जा रहे हैं पार्वती जी को मंदिर में, वहाँ पे हम सेंदूर टुकड़ी सब चढ़ाते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हो उनके लिए एक टिप है कि जब भी आए तो जल चढ़ाते समय किनारे लग जाए, दीवार से सट के लग जाए, आराम से जल चढ़ेगा, कहीं और जाएंगे धक्का मुक्की खा के मार भी खाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, जल अच्छे से नहीं चढ़ेगा, दीवार पकड़िए जल आराम से चढ़ेगा। किनारे प्रो टिप है, हमेशा किनारे किनारे दीवार पकड़ के चल दीजिए, एकदम बढ़िया से जल चढ़ेगा। धन्यवाद। पार्वती मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी जल चढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही भीड़ है, पूरा यहाँ पे देखिए वही जी लगा हुआ है, जा रहा है, देख लीजिए पूरा भीड़ जबरदस्त जबरदस्त। शंकर जी पर जो जल चढ़ता है मंदिर में, जितने भी कुंवरिया लोग जल चढ़ाते हैं उसका जल जो है जो आपका बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर जो निकलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस जल को आप जो है ना घर पे लेके जा सकते हैं, जो शंकर जी को जल चढ़ाए, तो इस जल से आप बहुत कुछ अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ सब कर लिए हैं, ठीक है, पार्वती जी में भी और शंकर जी में भी दोनों में पूजा हो गया है। हम आपको सुल्तानगंज से देवघर तक का सफर में आपको हम इस वीडियो में आपको दिखाए हैं, जो आप लोग बहुत ही इस वीडियो को प्यार दिए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट भी आप कर रहे हैं। यदि आप इस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके बाय।